तो दोस्तों आज शुरू करते हैं सोनू सर की शायरी के साथ, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। पैसा इतना कमाओ कि ये लाइन बोल सको, मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ। मेरे बच्चों मुझे दिल खोल के खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफ़ी हूँ। क्या तुम अभी भी सोचते हो बहुत टाइम है, बहुत छोटा हूँ, आगे बहुत कुछ कर लूँगा? इससे पहले ये सोचो तो मैं बता दूँ, कुछ पाने का जुनून होना चाहिए। अगर आज इस वीडियो तक हो तो समझ लेना कि ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ कर सकते हो। स्टार्ट इट राइट नाउ। अगर आप ये सोचते हो कि पढ़ाई करके नौकरी करना है या नौकरी लग गई, तो समझ लेना अपनी लाइफ में आपने कुछ नहीं कर पाया। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ कि अगर पढ़ाई करके आपको ये लगता है कि नौकरी करनी है और नौकरी मिल गई, तो यही समझना अपने आप को कि लाइफ में अपना कुछ कर ही नहीं पाया। क्योंकि दुनिया के वो हर माता पिता सोचते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और अच्छी शिक्षा दें, और जो वो पढ़ाया हुआ है उसी से नौकरी मिली है, वो भी तेरे माँ बाप का दिया हुआ है। जब तक तू अपने मन से कुछ नहीं कर लेता, कुछ अपना नहीं कर लेता, तब तक बस तू यही मानना कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाया। और अपने आप को हमेशा बोलना, तूने किया क्या लाइफ में, तूने किया क्या लाइफ में। जब तू ऐसे बोलेगा तो एक ना एक दिन जिद और जुनून ज़रूर आएगा। क्योंकि हमेशा लोग बोलते हैं, और मैंने सुना भी है ये, कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं सकता हूँ। तो क्या अपने गोल के लिए नहीं कर सकते, अपने लाइफ के लिए नहीं कर सकते? क्योंकि आजकल दुनिया ऐसी हो गई है, जिसके पास पैसा है दुनिया पूछता है भैया तू कैसा है। तो जिस तरीके वहाँ पे फोकस होता है, उसी तरीके अपने गोल पे और पैसे पे भी फोकस होना चाहिए। कभी अपने आप को कमिटेड कर दो, सिर्फ कमिटेड कर दो कि मुझे नेक्स्ट 1 ईयर में, नेक्स्ट 2 ईयर में लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है मुझे नेक्स्ट 2 ईयर में। ये कमिटेड कर दो, और ये क्वेश्चन हमेशा माइंड में चलता होना चाहिए, नहीं लाइफ में कुछ करना है। कहते हैं ना, पैसा उसी के पास आता है जिसके पास पैसा होता है। अब पैसा तभी आएगा जब तू पैसा कमाएगा, और उसके लिए तुझे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पैसे तो मजदूर भी कमाते हैं, और पैसा बिल गेट्स अंबानी भी कमाते हैं। अगर आपको ये लगता है कि सोचने से कुछ हो जाएगा, तो गलत सोचते हो, बिल्कुल गलत सोचते हो। वो चीज़ें प्रैक्टिकली लानी पड़ेंगी। विदाउट प्रैक्टिकल इट्स नॉट पॉसिबल। रहा मेरे दोस्त, मेहनत इतनी करो, पैसे इतने कमाओ कि अगर अपनी फैमिली के साथ शोरूम पे जाओ और वहाँ पे बोल सको कि माँ आज जिस गाड़ी पे हाथ रख दोगी वो मैं घर ले जाऊँगा। इतना पैसा कमाओ और तब तक कमाते रहो। देखो दोस्त, अगर नौकरी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, टाइम दोनों के पास कम होता है। लेकिन नौकरी करके अगर सोचते हो कि आपके ख्वाब महंगी गाड़ियाँ, महंगे बंगले ये पूरे हो जाएं, इट्स नॉट पॉसिबल। जब टाइम कम है ही, तो बिजनेसमैन बनके पैसा क्यों ना कमाया जाए? क्योंकि जितने भी तू बड़े एम्पायर्स देखेगा, रजनीकांत बस कंडक्टर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वॉचमैन, संदीप महेश्वरी कॉलेज ड्रॉप आउट, प्रधानमंत्री जी टी सेलर, टिकट कलेक्टर महेंद्र सिंह धोनी, गैस स्टेशन अटेंडेंट अंबानी, अक्षय कुमार चीफ, APJ अब्दुल कलाम न्यूज़पेपर बॉय, जितने भी आज तू बड़े बड़े एम्पायर्स देखता, उनके पीछे भी बहुत बड़ी कहानियाँ छुपी हुई हैं। उन्होंने भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, तब जाके आज वो इतने बड़े एम्पायर्स बने हैं। अगर तू ये सोचता है कि आज मैं 20 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, नो, यू आर थिंकिंग रॉन्ग। डू इट राइट नाउ और स्टार्ट इट राइट नाउ। तो बस यार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मैं शुभम, एंड टर्निंग ऑफ फॉर द डे।